पानीपत शहरी सीट को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग गया है और सीट से बीजेपी ने जिला अध्यक्ष प्रमोद विज को प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद विज को पिता के 5 बार विधायक होने का फायदा मिला है और विज इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ेंगे। 4 अक्टूबर को से मनोहर लाल उनका नामांकन दाखिल करवाएंगे, तो प्रमोद विज को टिकट मिलने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। तो सीएम की मौजूदगी में 4 अक्टूबर को अपना जो नामांकन है वो प्रमोद विज भरेंगे, तो 5 बार अपने पिता नायक रहने पर उनको कहीं ना कहीं ये फायदा मिला है। तो 12 सीटों को लेकर जो पेच बसा हुआ था उस पर विराम लगाते हुए जो विवाद पानीपत की सीट पर था, क्योंकि एक सीट ये भी थी जिस पर विवाद बना हुआ था और प्रमोद विज को अब मैदान में यहाँ पर उतारा गया है, तो ये मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 5 बार यहाँ से प्रमोद विज के जो है कि वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, हमारे अध्यक्ष सुभाष बराला जी को, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी को और हमारे प्रभारी सांसद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी को और सारे साथ में हमारे चुनावी प्रभारी नरेंद्र तोमर जी को, भूपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एक ऐसे कार्यकर्ता में विश्वास जताया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा और ये मेरा धर्म है और ये कमिटमेंट है, मैं उनकी जितनी भी मेरे पर विश्वास जताया है उस पर पूरा उतरूँगा। निष्ठा के साथ एक ईमानदार आदमी के नाते मैं काम करूँगा।